हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशी आज की वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि समर सेशन शुरू हो गया है तो आज मैं आपके लिए दो इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ, बगैर गन्ने के गन्ने का जूस और बिना नींबू के नींबू पानी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम बनाएंगे लेमन पाउडर, जिसे आप पूरी गर्मियों के लिए स्टोर करके रख सकते हो। इसके लिए मैंने लगभग 10 से 15 नींबू लिया है, जिनका रस मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसे छान लेंगे। जो हमारा नींबू का रस है इसे हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। जितनी मात्रा में नींबू का रस हो उससे चार गुना आपको चीनी लेनी है और इसके अंदर डाल देनी है। लेमन जूस में चीनी डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। हमारा लेमन जूस और चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप इसे सूखने के लिए रख दीजिए। ये लगभग एक से दो दिन में सूख जाएंगे। इसे धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है, आपको इसे छाया में सुखाना है। बेटर होगा कि आप इसे पंखे के नीचे रखें। एक या दो दिन में जब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो जाए तो आप इसे इस चम्मच की सहायता से इस तरह से निकाल लीजिए। याद रखिए फ्रेंड्स, चीनी के सूखने के बाद इसमें नमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, वरना ये पाउडर ख़राब हो जाएगा। अब फिर हम इस लेमन शुगर को इस मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करके इसका फाइन पाउडर तैयार करेंगे। पाउडर हमें बिल्कुल बारीक तैयार करना है। हमारी लेमन शुगर बिल्कुल सूखी थी तो देखिए इसका फाइन पाउडर तैयार हो गया है। अब हम इस पाउडर को एक छलनी में डाल लेंगे और इसे छान लेंगे। इस लेमन पाउडर से एक सुविधा हो रहा है कि एक बार में अगर आपको 20 से 30 लोगों के लिए भी नींबू पानी बनाना हो तो बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। छानने के बाद जो चीनी बड़ी रह गई है उसे फिर से हम मिक्सर जार में डालेंगे और इसका पाउडर तैयार करेंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरी चीनी का हम इसी तरह से पाउडर तैयार करेंगे। इसी तरह से मैंने पूरी चीनी का पाउडर तैयार कर लिया है। इसी प्रोसेस के साथ हम सारी चीनी को पीस लेंगे। देखिए कितना बारीक है। अब हम एक एयर टाइट कंटेनर लेंगे और इस पाउडर को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। कंटेनर आप अपनी सुविधा अनुसार कांच या प्लास्टिक का ले सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा अगर आप कांच का यूज करें तो। मेरे पास उपलब्ध नहीं था तो मैं ये प्लास्टिक का यूज कर रही हूँ। कंटेनर बिल्कुल साफ सुथरा और सूखा होना चाहिए। हमारा लेमन शुगर पाउडर बिल्कुल तैयार है। घर में गेस्ट और हमें फटाफट से नींबू पानी तैयार करना है तो आप इसमें से एक से दो चम्मच एक गिलास में डालिए और उसमें कुछ पानी डालकर थोड़ी सी आइस क्यूब डालकर सर्व कीजिए। देखिए बिल्कुल फ्रेश नींबू पानी जैसा ही लग रहा है। पीने में भी इसका टेस्ट बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश नींबू पानी जैसा ही होता है। मेरे घर में ये लेमन पाउडर हमेशा तैयार रहता है। तो आप मेरे बताए तरीके के अनुसार एक बार इस लेमन पाउडर को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तो अब हम चलते हैं दूसरी रेसिपी की ओर, वो है बिना गन्ने के गन्ने का जूस। जी हाँ दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, गर्मियाँ स्टार्ट होगी और गर्मियों में गन्ने का जूस क्या बात है, और वो भी बिना गन्ने के गन्ने का रिफ्रेशिंग जूस। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए बिल्कुल लग रहा है ना तरोताज़ा गन्ने से बना हुआ गन्ने का जूस। तो इस चलिए अब इस रेमेडी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 1/4 कप गुड़ लिया है, वो भी बिल्कुल सॉफ्ट वाला, और इसके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इस गुड़ को लगभग 10 से 15 मिनट के लिए 1 कप पानी में भिगो देंगे। याद रखिए फ्रेंड्स, हमें लगभग 1 कप ही पानी डालना है और इसे ढककर छोड़ देना है लगभग 15 मिनट के लिए। गुड़ को हमें बिल्कुल नॉर्मल पानी से भिगोना है, ना ठंडा ना गर्म। देखिए गुड़ हमारा बिल्कुल मेल्ट हो गया। अब हम इसे एक मिक्सर जार में डाल देंगे। को मिक्सर जार में डालने के बाद हम उसमें लगभग आधा चम्मच सेंधा नमक, आधा चम्मच चाट मसाला और लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच नींबू का रस डालेंगे। और फिर हम थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां लेंगे और उसे भी मिक्सर जार में डाल देंगे। सभी चीज़ों को मिक्सर में डालने के बाद लगभग 1 मिनट के लिए हम मिक्सर में इसे ग्राइंड करेंगे। देखिए हमारी सभी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो गई है। अब हम इसमें कुछ आइस क्यूब डालेंगे। आइस क्यूब डालने के बाद लगभग 1 मिनट के लिए फिर से मिक्सी में चलाएंगे। देखिए हमारा बिल्कुल तरोताज़ा रिफ्रेशिंग और लाजवाब गन्ने का जूस बनकर बिल्कुल तैयार है, वो भी बिना गन्ने के।
फ्रेंड्स, बिना गन्ने के जूस की ये रेमेडी आप भी बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इंस्टेंट नींबू पानी और बिना गन्ने की जूस की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।